दिल कैसे ना गिरफ्तार हो जाए जंजीर तो देखो, अरे तुम्हें भी होना जाए मोहब्बत तो कहना, पहले निशा जी की तस्वीर तो देखो। लेकिन ये छपड़ा से चलकर आई है और ये हमारी बिहार की बेटी है। पहले बिहार में बेटियों का जैसे सम्मान होता है, एक बार जोरदार तालियों के सम्मान के लिए समूह की तरफ से होनी चाहिए। कहना यही चाहेंगे कि ये बेटियां माइक लेकर गुनगुनाना भी जानती हैं, कि ये बेटियां माइक लेकर गुनगुनाना भी जानती हैं, खेल के मैदान में दुश्मनों को धूल चटाना भी जानती हैं। अरे जब भी अपने परिवार पे, अपने माता पिता पे आंच आ जाए तो रोहिणी आचार्य बनकर यमराज से लड़ना भी जानती है। तो ऊपर जोरदार तालीम के लिए होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना भैया। कहते कि ये मीरा की अमर भक्तियां जहर से मर नहीं सकती, कि ये मीरा की अमर भक्तियां जहर से मर नहीं सकती, अरे ये झांसी भी बाली रानी दुनिया में किसी से डर नहीं सकती, कि स्वर लता मंगेशकर सानिया मिर्जा चाहे हो मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो बेटियां कर नहीं सकती। तो हम चाहेंगे एक बार परम आदरणीय श्री जो कि गरीबों के भगवान हैं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनकी बेटियां ने जो हिंदुस्तान में कर दिखाया पूरे मिसाल है। तो एक बार रोहिणी आचार्य के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, क्योंकि लोग कहते हैं कि बेटियों का कोई घर नहीं होता। अरे पागल है, नादान है वो लोग, क्योंकि बगैर बेटी का कोई घर घर नहीं होता। तो एक बार अपने अपने बेटियों के लिए भी जोरदार तालियां बजा लीजिए, जोरदार तालियां। आइए नहीं दूसरा बोला, जरा आवाजें आनी चाहिए, क्योंकि जो लाइट है मैं तो आप लोगों को दिख जा रही हूँ, लेकिन आप हमें नहीं दिख रहे हैं। ये तो सरासर गलत है ना, नजर से नजर दोनों आदमी को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना जी। तो आपसे हमारी नजर कैसे मिलेगी ऐसे? अच्छा, तो हम चाहेंगे कि एक लाइट यदि उधर घुमा, ये वाला बस घुमाते रहिएगा। देखिए साउंड वाले भैया, लाइट वाले भैया कितने जल्दी समझ गए बातों को। इधर से हाथ जरा जिधर जिधर एक बार जरा चिल्लाइए तो। वाह, जो हमारे मधेपुरा के शेर, गजब की गड़गड़ाहट है आपकी आवाजें में। और जितने भी उपस्थित यहाँ पे हमारे भगवान रूपी जनता जनार्दन है, जो दूर दूर से हमें देख रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, आप सभी को, आप सबके अपने निशा उपाध्याय की तरफ से मैं यहीं से पैर छू के प्रणाम करके ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जितना शुक्रिया बोलना चाहूँ उतना कम है आदरणीय हमारे गौतम भैया का, कि आज इतना बड़ा भव्य दृश्य देखने का मौका मिला। कार्यक्रम तो मैं हमेशा करती हूँ, जैसे कि आप सभी लोग देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से हमेशा देखते हैं कि मैं 300 दिन कार्यक्रम करती हूँ, लेकिन ऐसा माहौल बहुत कम मिलता है। तो इसके लिए पूरा पूरा धन्यवाद गौतम भैया आपको जाता है कि आपने इस तमाम जितने जनता जनार्दन का आशीर्वाद पाने का मौका दिया, इसके लिए हम सदा आभारी हैं आपके लिए। और आजीवन जब भी आप सभी को निशा की जरूरत पड़े हमें एक कॉल करिएगा, हम दौड़े चले जाएंगे आपके लिए। एक बार ताली बजा दीजिए गौतम भैया के लिए। और देखिए भक्ति गाने का ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये होली का दहन मेला समारोह है, तो एक बस थोड़ा सा मुखरा भजन का, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पहले भजन हो जानी चाहिए, उसके बाद से जैसे आप लोगों की फरमाइश से होगी वैसे किया जाएगा। चलेगा ना जी? है राधा तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में, कि जब भी बने दूसरा राम बनूंगा, आसमां की राधा राधा श्याम बनूंगा, कि तेरे बिना आए सुबह शाम कहूंगा, कि तेरे बिना आए सुबह शाम कहूंगा, कि आसमां की राधा राधा नाम कहूंगा। जरा एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए, बस थोड़ा सा ही गाऊंगे, बस इतना ही। अब मेरे साथ एक बार ताली बजा के आप लोग ताली। Thank you.
और मेरी जान है राधा, तेरे कुर्बान में राधा, और मेरी जान है राधा, तेरे कुर्बान में राधा, रहना सकूंगा तुझसे दूर मैं, जब बन जाना क्या बनूंगा, तेरे बिना आया तो काम का होगा, तेरे बिना आया तो काम का होगा, मेरी आत्मा की राधा राधा नाम का होगा। ऐसे ताली बजाते हैं जी आप लोग, हाँ एकदम जोरदार। किसैया के दे दे लू नौकरी, हमरा के दे दे लू बे